नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, उस कहानी से आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसी कई गलतियां आए दिन अपनी जिंदगी में करते हैं, अगली बार से हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अभी से ठीक एक साल पहले की बात है, दिल्ली के एक पर्टिकुलर इलाके में चार दोस्त रहते थे। एक का नाम था अंकुश, एक का नाम था शिवम, एक का नाम था डुग्गू और एक का नाम था नितिन। ये चारों क्लास 9th में पढ़ते थे और चारों ही पढ़ाई लिखाई में थोड़े पीछे थे, लेकिन हाँ खेलकूद में बहुत आगे। मतलब कोई भी गेम्स इनसे खिलवा लो, मतलब आउटडोर गेम्स की बात बोलो या इंडोर गेम्स की बात बोलो, ये किसी भी चीज में हारते नहीं थे, अव्वल दर्जे पर। लेकिन किताबी चीजें इनको समझ में नहीं आती थी। इनके घर वालों से इनको हमेशा डांट पड़ती थी। डुग्गू के घर वालों ने तो ये तक बोल दिया था कि देख, अब अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ क्लास 9th में, तो तेरा खेल खत्म, पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे और फिर घर पे बिठाएंगे और कुछ टाइम बाद तुझसे मजदूरी कराएंगे। मतलब ये तक सिचुएशन आ गई थी। डुगू के पापा दरअसल इस स्कूल में कुछ काम किया करते थे। अब उस काम के चक्कर में इनके पास स्कूल के हर एक रूम की चाबी होती थी। इन लोगों ने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों ना यार, अपना एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, डुग्गू के पापा के पास चाबी रहती है, क्यों ना डुग्गू अपने पापा के पास से स्कूल की चाबियां चुरा ले, रात को हम स्कूल में घुसे और प्रिंसिपल ऑफिस से हम पेपर निपटाते, पेपर लीक करते, किसी को बताएंगे नहीं, बेचेंगे बाचेंगे नहीं, ये सारी चीजें नहीं करना है, बस खाली अपन चार, नितिन, अंकुश, शिवम और डुग्गू, अपन चार वो पेपर को अच्छे से रट्टा मारेंगे और अगले दिन एग्जाम दे देंगे। दरअसल इन लोगों के स्कूल में ये नियम था, जो कि इनको बचपन से मालूम था, कि हमारे स्कूल में जो भी एग्जाम हो रहा है उसकी जो मतलब क्वेश्चन पेपर्स हैं वो एक या दो दिन पहले बनकर आ जाती है और प्रिंसिपल ऑफिस में रखी रहती है। डुग्गू ने भी थोड़ा सोच विचार किया और बोला, बेस्ट आइडिया है, किसी को पता नहीं चलेगा, एग्जाम जब बहुत नज़दीक होगा, दो दिन रहेंगे तो अपन अपने अपने घर में पढ़ाई ग्रुप स्टडी करने का बहाना मार सकते हैं, आने दो कोई एग्जाम। अब इनका क्लास 9th वाला एग्जाम नजदीक आया। इन लोगों ने प्लान बनाया कि जब घर के सारे लोग सो जाएंगे, घर वालों को पहले से बता के तो रखना है कि हम लोग ग्रुप स्टडी करने के लिए इसके घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, लेकिन जब सो जाएंगे सब लोग तभी घर से निकलेंगे, क्योंकि तभी तो डुग्गू अपने इस चोरी के काम को अंजाम दे पाएगा। रात के ठीक 12:30 बजे सभी ने दिन में ही अपने घर वालों को बता दिए थे प्लान के अनुसार कि हम रात के समय इसके घर जाएंगे, उसके घर जाएंगे। हर बच्चा अपने हिसाब से नाम ले रहा है, मतलब डुग्गू ने बोल दिया मैं शिवम के घर जा रहा हूँ, तो शिवम ने बोल दिया कि मैं फलाने के घर जा रहा हूँ, सबने अलग अलग का नाम ले लिए। और ठीक रात के 12:30 बजे ये लोग डुग्गू के घर के बाजू वाली गली में मिले और डुग्गू चाबी निपटा चुका था। डुग्गू के पापा हमेशा अपनी पैंट की जेब में वो स्कूल की चाबी रखते थे, वो पूरा एक गुच्छा था और उसमें हर एक क्लासरूम की चाबी थी, प्रिंसिपल ऑफिस की, अलग अलग ऑफिस की भी चाबी थी। हाँ, स्कूल के मेन गेट में चौकीदार तो हमेशा बैठता था, लेकिन चौकीदार थोड़ी कभी ये सोचा रहा होगा कि ऐसी हरकत भी कोई करने की सोचेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास चाबियों का एक्सेस बड़ा इजीली है। ये लोग रात के 12:30 बजे डुग्गू के घर के बाजू वाली गली से अपनी साइकिल स्टार्ट किए और पहुँच गए अपने स्कूल के सामने। थोड़ी दूरी पर इन लोगों ने अपनी साइकिल लगा दी। स्कूल के सामने 2-3 बड़े बड़े पेड़ थे, उसके पीछे छिपकर मेन गेट की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। ये लोग समझ पा रहे थे कि गेट में एक छोटा सा रूम जैसा बना हुआ, जैसे वॉचमैन लोगों का बना रहता है वैसा बना हुआ है, और उस रूम की लाइट भी जल रही है और वॉचमैन बैठा हुआ भी दिख रहा है। मोबाइल में कोई तो ड्रामा सीरियल वो वॉचमैन देख रहा था अपनी रात काटने के लिए। इन लोगों ने सोचे कि वॉचमैन तो बहुत बढ़िया तरीके से जागा हुआ है, अपना मस्त मोबाइल में टाइम पास कर रहा है, हम सीधे सीधे रास्ते से नहीं जा सकते, आ गए हैं तो काम को अंजाम देना ही पड़ेगा। डुग्गू बोलता है मेरे पास एक और रास्ता है, जो स्कूल के पीछे वाली तरफ ना एक छोटा सा गेट है, उस गेट में भी ताला लगता है और उसकी भी चाबी यहाँ पर है, वहाँ से चलते एकदम धीरे धीरे जाएंगे। ये लोग धीरे धीरे स्कूल के पीछे तरफ चले जाते और सचमुच में वहाँ पे एक छोटा सा गेट था जिसके ऊपर पहले इन लोगों की नज़र नहीं पड़ी थी, डुग्गू को मालूम था
और कहीं ना कहीं नितिन को भी इस गेट के बारे में मालूम था, लेकिन अंकुश को और शिवम को नहीं मालूम था। ये लोग चोरी से उसको खोलते हैं धीरे से और घुस जाते हैं अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफिस जो था वो सेकेंड फ्लोर में था। दबे पाँव से ये सेकेंड फ्लोर तक पहुँच जाते हैं, चाबी से ताला खोल भी देते हैं, अब डायरेक्ट अंदर। अलग अलग कोनों में ये लोग पेपर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं है। थक जाते हैं कि अब क्या करें। डिसाइड करने के लिए एक दूसरे के पास आए ये चारों कि इनको कुछ आवाज़ सुनाई देती, और वो आवाज़ थी, आई आपको ऐसी आवाज़ जैसे कि कोई फर्श में अपने नाखून ऐसे ऐसे घिस रहा हो। ये लोग घबरा गए और घबराहट के मारे एक बड़ी सी अलमारी थी प्रिंसिपल्स ऑफिस में, उसके पीछे जाकर छुप गए। कोई टेबल के पीछे जाकर छुप गया कि कोई तो आ रहा है। ये नाखून घिसने की आवाज़ आई 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 आई, पहले दूर से आ रही थी, अब पास से आई 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 आई, और अब दरवाजे में कोई धप। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफिस के दरवाजे को सामने से किसी ने खोला थप्पा करके। अब इनकी सांसें तक हलक में नहीं आ रही थी, जान सूख गई थी कि दरवाज़ा पूरी तरीके से ओपन हो गया। बड़ी चोरी से नज़र निकालकर नितिन ने बाहर तरफ देखने की कोशिश किया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं दिखाई दिया। नितिन धीरे से बोलता है, अरे बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार निकल के देखे क्या। चारों हिम्मत करके जहाँ जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से बाहर निकले और दरवाजे से बाहर झाँक के देखते हैं तो क्या पाते हैं। सचमुच में बाहर कोई नहीं था। पूरे पैसेजेरिया में टिमटिमाती हुई लाइट एक अजीबोगरीब हॉरर वाइब दे रही थी। जी हाँ, इन लोगों ने पहले कभी ना कभी सुने हुए थे कि इनका जो स्कूल है वो एक पुराने से कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। रात बेरात स्कूल के आसपास ढेर सारी आत्माएं भटकती है। इन लोगों ने पहले कभी ज़रूर सुने हुए थे। इनफैक्ट इनको एक और कहानी के बारे में मालूम था, और वो कहानी थी इस स्कूल के भूतिया चौकीदार के बारे में। बच्चों का मानना था कि इस स्कूल में एक ज़माने में एक चौकीदार काका जी हुआ करते थे। उम्र उनकी बहुत रही होगी, 65-70 साल के आसपास के रहे होंगे, और वो अपने काम को लेके इतने ज़्यादा जागरूक थे जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक रात 2 बजे के आसपास उन चौकीदार काका को स्कूल से किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। चौकीदार काका को कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ घुस गए हैं क्या, मतलब गलत एक्टिविटी करने वाले लोग। चौकीदार काका अपना डंडा उठाए, स्कूल के अंदर आए और ढूंढने में लग गए, लेकिन सिर्फ उन्हें आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से उनके सर में एक बहुत ज़ोर का झटका पड़ा, और जैसे ही वो ज़मीन में गिरे ना, उन्हें कम से कम 15-20 सड़े हुए मृत शरीर पूरे पैसेज एरिया में लटकते हुए झूलते हुए दिखाई दिए, और उन चौकीदार काका का दिमाग वहीं पर ख़राब हो गया। उनका दिमागी संतुलन हिल गया। उस दिन के बाद से चौकीदार काका जो भी मिलता उसको कहते, ये स्कूल भूतिया है, ये स्कूल एक दिन सबको खत्म करके रख देगा, हर एक बच्चों को मार डालेगा, हर एक टीचर को खत्म कर देगा, यहाँ पे कोई भी चौकीदार काम मत करना वरना वो पागल हो जाएगा। चिल्लाते रहते उन्होंने उस रात क्या देखा था, हर एक इंसान को पकड़ पकड़ के उस रात की कहानी सुनाते, लेकिन उन चौकीदार काका की कहानियों पर कोई विश्वास नहीं करता। सब कहते कि बेचारा पागल हो गया है, और एक दिन उन चौकीदार काका की मौत हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद भी वो रुके नहीं। लोगों का कहना हुआ कि रात बेरात चौकीदार काका स्कूल की निगरानी करते रहे मरने के बाद भी, और कोई नया चौकीदार स्कूल में आता देखभाल करने के लिए और रात बात में झपकी लेगा तो उसको झापड़ पड़ता। और लोगों का मानना था, बच्चों का मानना था कि वही बुढ़े वाले चौकीदार काका की आत्मा भटकती है, और वो कोई भी नए चौकीदार को अपने काम से डगमगाता हुआ देखती है तो थप्पड़ मार के जगाती है। जी हाँ, इन चौकीदार काका के कई किस्से इस स्कूल के बच्चों में टीचर्स में प्रचलित थे, और अभी ये जो अचानक से ऐसा दरवाज़ा खुला था, उन चारों बच्चों को वही चौकीदार काका की और वो कब्रिस्तान वाली कहानी बड़ी डरावनी तरीके से याद दिला गया। बस फिर क्या था भाई, यहाँ पर डुग्गू की घबराहट शुरू हो गई। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
पेपर भी यहाँ से निकालना जरूरी है, नहीं तो हम में से बहुत सारे लोगों का तो घर निकाला हो जाएगा। पेपर तो लेके ही जाएंगे चाहे जो हो जाए। प्लान बनाए, एक बार आखिरी ट्राई मारते हैं, विद इन 5 मिनट्स कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सब किस्मत पे छोड़ देंगे। ढूंढने में लगे वापस से, ढूंढ ही रहे हैं अलमारी में कि नितिन को कंधे में एक अजीब सा टैप आया। ये पलट कर देखता है तो क्या पता है इसके ठीक पीछे एक बड़ी बड़ी मूंछ वाले काका जी खड़े हैं। उन्होंने सफेद रंग की पगड़ी पहने हुए, सफेद रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती। आंखों में बड़ा खौफनाक सा तेज है। इसे कहते हैं, क्यों बच्चों यहां पर क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, गलत काम करने आए हो क्या? नितिन हड़बड़ा जाता है, ऊपर से नीचे तक कांपने लगता है। लिटरली नितिन उस समय अपनी पैंट गीली कर दिया था, लेकिन ये काका जी बाकी के 3 लड़कों को दिखाई नहीं दे रहे थे। वो उसके एकदम नजदीक आने लगे, एकदम नजदीक आए, और इसी कारण से कुछ ही पलों के लिए नितिन वो बुढ़े काका जी की आंखों में कहीं खोसा गया, हिप्नोटाइज हो गया कि देखते ही देखते उनकी आंखें बहुत खतरनाक तरीके से लाल हो गई, इतनी लाल कि पूरे शरीर का खून चढ़ के उनकी आंख में आ गया हो। उनका चेहरा डरावना होने लगा, उनके चेहरे में झुर्रियां आने लगी। लगभग ये सारी चीजें 30 से 40 सेकंड के अंदर हुई है। अचानक से वो काका जी का चेहरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो गया। नितिन ने बहुत जोर की चीख मारा और बोला, भागो। वो हिप्नोटाइजेशन से टूट के चीख मारा अपनी, और बाकी सारे बच्चे समझ गए कि नितिन ने कुछ तो देख लिया है, भागो। डरे हुए तो थे पहले से 3, एक दूसरे का हाथ पकड़े और चिल्ला के भागे हैं। बाहर जो वॉचमैन था उसको आवाज़ गई होगी कि नहीं गई होगी, भाग भाग के वहाँ से निकल गए और सीधे अपने अपने घर पे जाकर सो गए। लेकिन जब अगला दिन निकला तो अगले दिन स्कूल में इनका दोस्त नितिन नहीं आया। इनको चिंता हुई। छुट्टी होने के बाद ये सबकी सब नितिन के घर गए तो क्या पाए हैं, नितिन पूरी तरीके से पागल सा हो गया है, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है और बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। इतना चिल्ला रहा है कि उसका वोकल कॉर्ड फट जाएंगे ऐसे, मतलब उसकी कंडीशन बहुत बेकार थी। और आस पड़ोस के भी लोग उसे घर पर इकट्ठे होके बैठे हुए थे कि लड़के को क्या हो गया, दरवाज़ा खुले तो उसको हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ये बच्चे पहुँचे, फिर आपस में बात बात हुई कि चलो इसके दोस्त आ गए, हम दरवाज़ा दरवाज़ा तोड़ ही देते हैं, इसको निकालते हैं। दरवाज़ा तोड़ के जब बाहर निकाले, इसको बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल लेकर पहुँचे हैं। डॉक्टर लोगों ने इंजेक्शन वगैरह लगाए होंगे, ये शांत हुआ। मतलब इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे लगभग 5 बजे के आसपास, ये शांत हुआ है रात में 12 बजे के आसपास। इसकी मम्मी गई होगी इसके पास इसकी थोड़े शांत होने के बाद और पूछी थी, बेटा तेरे साथ क्या हो रहा है? तो इसने अपनी मम्मी को पूरी बात बताया और बोला, मम्मी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आदमी मेरे आसपास ही है, और अचानक से ना उसका जो चेहरा है मेरे मुँह के सामने दिख जाता है और मुझे देख के बड़ी बुरी तरीके से हंसता है, मम्मी वो मुझे कुछ करेगा तो नहीं? इसकी मम्मी बोलती है, बेटा अब क्या चिंता वाली बात है, तू तो पूरे तरीके से ठीक हो गया है, तू सो जा, हाँ सुबह अपन हॉस्पिटल से घर चल लेंगे, फिर कोई अच्छे वाले बड़े से मंदिर चलेंगे घूमने के लिए, तुझे शांति मिल जाएगी, भगवान जी सब ठीक कर देंगे, तू सो जा भी सो जा। मम्मी ने इसको सुलाई है प्यार से बचपन वाली लोरी सुना के, कभी सोची नहीं थी कि ये लोरी उनकी ज़िंदगी की आखिरी लोरी होगी। वो नहीं उठा, अगले दिन नहीं उठ पाया, नितिन की मृत्यु हो गई सोते सोते ही। कौन दिखाई दिया था नितिन को जो कि बाकी 3 को नहीं दिखाई दिया? क्या ये वही चौकीदार काका थे या फिर कोई और? क्योंकि ये स्कूल तो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था ना, कब्रिस्तान में ही भटकने वाली कोई आत्मा थी कि चौकीदार काका की ही आत्मा, नहीं मालूम। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अंकुश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। इस पूरी पूरी घटना का विटनेस अंकुश था, अंकुश सब देख रहा था, उसके सामने ही सब कुछ हुआ। मैंने सोचा कि ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर आऊँ तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि जीवन में कभी कोई गलत काम करने की सोचना भी नहीं,
क्योंकि अगर आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो गए तो चाहे कोई अच्छी आत्मा हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, आपका कोई साथ नहीं देगी। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोज़ डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।